जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ दुखों की भीड़ ठहरी होती है, वही थोड़ी दूरी पर खुशियाँ भी मौजूद होती है। श्रद्धा जब इंसान के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर लेती है, तो बुराई करना मुश्किल और भलाई करना आसान हो जाता है। नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। फल और फूल पेड़ पर पत्तों से कम होते हैं, लेकिन वो पेड़ फिर भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उसी तरह हमारे पास अच्छी बातें कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन पहचान तो सिर्फ अच्छे कर्मों से ही होती है। जो दिखाई नहीं देता वही बुनियाद होता है, फिर वह चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो या फिर विचार हो, क्योंकि जिनकी गति और मति अर्जुन की तरह है, उनका रथ तो आज भी भगवान श्री कृष्ण ही चलाते हैं। 84 लाख योनियों में एक इंसान ही पैसा कमाता है, फिर भी अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा और इंसान जिसका कभी पेट नहीं भरा। इंसान अपनी सैलरी के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरतों के हिसाब से गरीब होता है। अपनी आलोचना को धैर्य से सुने, यह हमारी जिंदगी की मैल को हटाने में साबुन का काम करती है। संदेह मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है और विश्वास पहाड़ों में से भी रास्ते का निर्माण करता है। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें किताब में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगा, परमात्मा इंसान भी नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा तुम स्वयं हो जो तुम्हें अपने भीतर ही मिलेगा। चालाकियों से कुछ देर के लिए मोहित किया जा सकता है, लेकिन दिल जीतने के लिए तो सहज और सरल ही होना जरूरी है। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अध्यापक है। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। दोस्तों, सुख का ताला केवल और केवल संतुष्टि की चाबी से ही खुलता है। दुनिया को छोड़ो, पहले उसे खुश रखो जिसे आप हमेशा आईने में देखते हो। दो बातें हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं, एक हमारा धीरज जब हमारे पास कुछ ना हो, और दूसरा है हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तकलीफ हो जीने में तो श्री कृष्ण को बसा लो सीने में। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।